का स्वागत है आपका एनसीआर मीडिया पर और मैं आपके साथ सपना यादव। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सोनू सूद के ऊपर आयकर विभाग की नजर पड़ी है। बुधवार को अभिनेता से जुड़े एक नहीं दो नहीं बल्कि छह ठिकानों पर आयकर विभाग की तरफ से सर्वे किया गया। दरअसल इस सर्वे के जरिए आयकर विभाग यह पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है कि बॉलीवुड अभिनेता के पास अपनी आय से ज्यादा संपत्ति तो नहीं है। कल के बाद आज फिर से एक्टर के घर आयकर विभाग के अधिकारी पहुंचे हैं, जबकि बुधवार को करीब 12 घंटे तक सर्वे वहां पे किया गया और उसके बाद वहां से अधिकारी चले गए, लेकिन आज फिर से अधिकारी वहां पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि ये कोई छापेमारी नहीं है और ना ही आयकर विभाग की तरफ से सोनू सूद के घर पे या उनके ऑफिस पे कोई भी चीज़ सीज की गई है। खबर के अनुसार एक्टर के अलग अलग ठिकानों पर सर्वे आयकर विभाग ने बुधवार को रेड किया था, क्योंकि अभिनेता से जुड़े अकाउंट बुक में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी के आरोप लग रहे थे। आयकर विभाग अभिनेता से जुड़े छह जगहों पर सर्वे किया था, लेकिन जिस तरह से आज फिर अधिकारी एक्टर के घर पहुंचे हैं उससे साफ हो रहा है कि ये मामला कुछ बड़ा रूप लेने वाला है। 2020 में कोरोना के प्रकोप तो आपको याद ही होगा, उस वक्त लॉकडाउन में सोनू सूद एक नए रूप में सामने आए थे। सोनू सूद ने कई ज़रूरतमंद लोगों की मदद की थी। सोनू ने हर किसी की अलग अलग तरीके से मदद की थी। जिस तरह उन्होंने कोविड-19 की परिस्थितियों में लोगों की मदद की थी, सभी आम लोगों ने उन्हें मसीहा बना दिया था। कोविड-19 ही नहीं, सोनू अभी भी लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। सोनू सूद के काम के कारण उन्हें काफ़ी सराहा जा रहा है। उनके सराहने कार के चलते कई बड़े ब्रांड एम्बेसडर उनके पास आ रहे हैं और वह उनके ब्रांड एम्बेसडर भी बन रहे हैं। इतना ही नहीं, सोनू सूद के जो उन्होंने कोविड-19 में लोगों के लिए काम किया था, उसके बाद उन्हें एक से बड़ी एक फिल्मों के ऑफर आ रहे हैं और काम करने के लिए बड़े से बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टर उनके साथ इच्छुक हो रहे हैं। हालांकि सोनू पर पहले भी फ्रॉड करने के आरोप लगे हैं, लेकिन आयकर विभाग की इस कार्रवाई की वजह से सोनू सूद के प्रशंसक काफ़ी ज़्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर सोनू सूद के प्रशंसक कई तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक यूज़र ने लिखा कि जिस व्यक्ति ने कोरोना महामारी के दौरान दिन रात एक कर लोगों की मदद की, गरीबों का इलाज कराया, शिक्षा के लिए काम किया, उसके घर छापेमारी की जा रही है। सत्य को परेशान कर सकते हैं, पराजित नहीं। वहीं अगले यूजर ने लिखा, अगर शौहरत मिले सोनू सूद बने, कंगना नहीं। आज फिर कहता हूं, आई स्टैंड विद सोनू सूद। और एक यूजर ने इस पूरी कार्रवाई को राजनीतिक मोड़ दे दिया है। जो आयकर विभाग ने कार्रवाई की है उसको यूजर ने राजनीति से जोड़ते हुए कहा है कि मुझे उस दिन पता चल गया था कि छापा पड़ने वाला है, जब आम आदमी पार्टी ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था और सोनू सूद ने तारीफ कर दी थी आम आदमी पार्टी के दिल्ली के स्कूल्स की। डराया गया है कि किसी की प्रशंसा मत करो हमारे सिवा, घटिया पीएम मोदी बहुत बेहुदा हरकत की है सोनू सूद के साथ। खैर, अब देखना होगा कि आयकर विभाग को सोनू सूद की संपत्ति में किसी प्रकार की हेराफेरी मिलती है या नहीं। साथ ही हम आपको बता दें कि सोनू सूद बीएमसी के साथ एक कानूनी विवाद झेल रहे हैं, जिसमें उन पर अपने एक बिल्डिंग में अवैध निर्माण का आरोप लगा है। आपको हमारी खबर ये कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनसीआर मीडिया। धन्यवाद।